फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जिंटा का ये गुस्सा फूटा है देश की न्यायपालिका पर। केस इंडियन कोर्ट में क्या होता है, 8 साल से केस चल रहा है और ये केस चलता ही रहेगा। प्रीति को नाराजगी है भारतीय न्यायालय के काम करने के तौर तरीकों पर। आई डोंट नो, मैं अगली सुनवाई के लिए क्या जाऊंगी, बट आई एम गोइंग टू कॉल माय लॉयर्स एंड टॉक टू सम सीनियर लॉयर्स, क्योंकि एज ए हीरोइन एज एन एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मेरे साथ कोर्ट में ये हो रहा है, क्योंकि बाकी औरतें इस कंट्री में हैं और बाकी विमेन इस कंट्री में हैं। आई फील सो सॉरी फॉर देम। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उठा दिया है कोर्ट की कार्यवाही पर ही सवाल। आई डोंट नो, मैं अगली सुनवाई के लिए क्या जाऊंगी, बट आई एम गोइंग टू कॉल माय लॉयर्स एंड टॉक टू सम सीनियर लॉयर्स, क्योंकि एज ए हीरोइन एज एन एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मेरे साथ कोर्ट में ये हो रहा है, क्योंकि बाकी औरतें इस कंट्री में हैं और बाकी विमेन इस कंट्री में हैं। आई फील सो सॉरी फॉर देम। सुना आपने, देखा आपने, मुंबई के गिरगांव कोर्ट पहुंची प्रीति के तेवर। दरअसल प्रीति यहां पहुंची थी अपने केस की सुनवाई के चक्कर में। दरअसल 2005 में मुंबई के एक इंग्लिश टेबलॉइड ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें एक्ट्रेस सलमान खान को ऐश्वर्या राय के साथ प्रीति के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते दिखाया गया था। इस खबर से नाराज प्रीति ने उस टेबलॉइड के खिलाफ डिफेमेशन का एक केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद से प्रीति कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगा रही है। वो हर बार सुनवाई के लिए कोर्ट जाती है, लेकिन हर बार फैसला आने की बजाय केस की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाता है। इस बार भी पीटी के साथ कुछ यही हुआ। केस इंडियन कोर्ट में क्या होता है, 8 साल से केस चल रहा है और ये केस चलता ही रहेगा। पीटी के वकील ने बताया कि केस की सुनवाई को 18 फरवरी तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अदालत के सुस्त रवैये से नाराज प्रीति अब इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कर रही है। आई डोंट नो, मैं अगली सुनवाई के लिए क्या जाऊंगी, बट आई एम गोइंग टू कॉल माय लॉयर्स एंड टॉक टू सम सीनियर लॉयर्स, क्योंकि एज ए हीरोइन एज एन एक्ट्रेस प्रीति जिंटा मेरे साथ कोर्ट में ये हो रहा है, क्योंकि बाकी औरतें इस कंट्री में हैं और बाकी विमेन इस कंट्री में हैं। आई फील सो सॉरी फॉर देम। इतना ही नहीं, प्रीति को ये भी लगता है कि जब उनके जैसे सेलिब्रिटी को भी 8 साल में न्याय नहीं मिल पा रहा है तो भला आम महिलाओं का क्या होगा। केस इंडियन कोर्ट में क्या होता है, 8 साल से केस चल रहा है और ये केस चलता ही रहेगा। कोर्ट के बाहर खड़ी प्रीति के ये तेवर क्या इस मामले की कार्यवाही को रफ्तार देंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। शाहिद अंसारी, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई।